हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्यदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के वीडियो में अपन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो अपने वीडियोस थे वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर को अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तीन चार वीडियोस के अंदर उसके दो मेथड थे उनको भी अपन ने यहाँ पे वीडियोस में डिस्कस किया है। अब जो अपन ने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी संपूर्ण अवकल समीकरण किस तरह से फाइंड आउट की जाती है उसको यहाँ पर अपन ने देखेंगे। संपूर्ण अवकल समीकरण, संपूर्ण अवकल समीकरण को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि संपूर्ण अवकल समीकरण को किस किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं और किस तरीके से अपन इनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो संपूर्ण अवकल समीकरण को चेक करने से पहले सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि जो अपनी इक्वेशन गिवन है वो संपूर्ण अवकल समीकरण हो सकती है या नहीं है, यानी उसका अपने पास है अवकलन जो है यानी वो डिफाइन है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन है, उस कंडीशन को अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो इक्वेशन यहाँ पर संपूर्ण अवकल समीकरण यानी उसकी समाकलनीयता अगर अपन निकाल सकते हैं। समाकलनीयता के लिए यहाँ पर एक शर्त है, उस शर्त को वो अगर सेटिस्फाई करती है देन उसका संपूर्ण अवकल समीकरण विद्यमान होगा, अदरवाइज उसका संपूर्ण अवकल समीकरण विद्यमान नहीं होगा। तो इसकी नेसेसरी जो कंडीशन होती है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखते हैं संपूर्ण अवकल समीकरण में यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है उसके लिए क्या कहा जाता है। इक्वेशन अपने पास किस तरह से गिवन होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन अपने पास मान लो गिवन है तो इस इक्वेशन का क्या करना है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे समाकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त, समाकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन उसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, इसका संपूर्ण अवकल समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन क्या होती है उसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू होती है इसको एक सारणी के रूप में बताया गया, पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड उसके बाद पी क्यू आर, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस सारणी की वैल्यू अपने पास अगर जीरो फाइंड आउट हो जाती है देन उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, समाकलनीयता हो जाएगी, और समाकलनीयता हो जाएगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो संपूर्ण अवकल समीकरण के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को लिखने का एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है, देखिए p वैल्यू होती है जो डिफाइन होती है इसके अंदर है, अगर इसको अपन खोलते हैं तो किस तरह से खोल सकते हैं इस वैल्यू को, तो अपने पास ये जो खुलती है डेल q बाई डेल z माइनस डेल r बाई डेल y, ये फिर माइनस वैल्यू जो होती है वो होती है, सॉरी माइनस नहीं होगी यहाँ पे प्लस ही रहती है, प्लस है क्यू। अब क्यू वाली वैल्यू के लिए देखेंगे तो क्या देखा जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड, और प्लस में रखा जाएगा किसको, इसको आर को। तो आर के लिए क्या रहेगी अपनी जो वैल्यू है वो रहेगी, इसके लिए भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, डेल आर बाई डेल क्यू बाई डेल एक्स पहले लिखा जाएगा और माइनस में डेल पी बाई डेल वाई। अगर ये किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए देन इस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे उल्टा रहता है, डेल पी बाई डेल वाई पहले रहता है फॉर्मूला में, इसी को खोला हुआ है। सारणी को खोलने का तरीका तो आपने ट्वेल्थ में सीखा ही होगा, डेल पी बाई डेल वाई
और डेल क्यू बाई डेल एफ, ये वैल्यूज़ जो है वो अपन यहाँ पर फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ की हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसकी नेसेसरी कंडीशन है क्या रहती है, आवश्यक शर्त जो है वो ये होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो पहला जो मेथड होगा इसका समाकलनीयता की शर्त का सत्यापन। अगर समाकलनीयता की शर्त का अगर सत्यापन होता है देन उसी कंडीशन में अपन इसका संपूर्ण अवकल समीकरण जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं वैल्यू जो गिवन है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल गिवन है 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस xz² है और प्लस में है 1 dx प्लस dy प्लस dz बराबर में क्या है वैल्यू 0 अपने को दे रखी है। अब देखिए यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू देखते हैं अपन। p की वैल्यू मेरे पास है 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, ये वैल्यू है। और q की वैल्यू क्या है 1 और r की वैल्यू भी है 1। अब जो जो वैल्यूज अपने को चाहिए थी, डेल p बाई डेल y, डेल p बाई डेल y निकाला तो क्या आ गया 2x आ गया, डेल पी बाई डेल जेड ये निकाला तो क्या आ गया 4xz, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, डेल क्यू बाई डेल एक्स निकालेंगे वो भी 0 और डेल क्यू बाई डेल जेड निकालेंगे वो भी 0। उसके बाद डेल आर बाई डेल एक्स निकालेंगे वो भी 0 और डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे, क्योंकि वो जो नेसेसरी वाली कंडीशन होती है, नेसेसिटी कंडीशन, उसमें अपने को ये सब जो आंशिक अवकलज है वो अपने को चाहिए होते हैं। तो देखिए अब उसमें अपन वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले जो नेसेसिटी कंडीशन थी पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो नेसेसिटी कंडीशन अपने पास क्या थी, वैल्यू थी अपने पास पी डेल क्यू बाई डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई, एक कंडीशन तो यही थी। दूसरी जो कंडीशन थी प्लस क्यू डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड, एक कंडीशन ये हो गई। और इसकी जो लास्ट कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन है प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर हो गई। और इसके बराबर में क्या प्रूफ करना है अपने को, 0 प्रूफ करना है। तो जो जो वैल्यूज अपने पास है उनको रख देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू अपने पास कितनी है, p की वैल्यू तो अपने पूरी है तो p की वैल्यू वो रख देते हैं 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, ठीक है। और डॉट आ जाएगा डेल क्यू बाई डेल जेड, तो डेल क्यू बाई डेल जेड की वैल्यू है 0 माइनस डेल आर बाई डेल वाई, ये भी क्या है 0, ठीक है। इस तरह से अपन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करने पर अपने पास क्या बचता है उसे अपन हम फाइंड आउट करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद रखते हैं q का मान, तो q का मान होता है 1 और इसमें डेल r बाई डेल x, तो डेल r बाई डेल x तो 0 माइनस डेल p बाई डेल z, तो ये होता है 4xz इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद r की वैल्यू है 1 डेल p बाई डेल y, ठीक है। तो डेल p बाई जो डेल y है उसको अपन क्या रख देंगे, सॉरी r की वैल्यू यहाँ पर 2zdz है, r की वैल्यू जो है यहाँ पर 2z चल रही है, शुरुआत में अपन ने देखा नहीं इक्वेशन को गलत पुट किया था, तो r की वैल्यू यहाँ पर 2z चल रही है और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2x-0।
तो देखिए अब इनको सरल करते हैं, तो पहला स्टेप तो जीरो हो गया, दूसरा स्टेप माइनस फोर एक्स जेड हो गया, और तीसरा स्टेप प्लस का फोर एक्स जेड हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, जीरो। यानी ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, देन इस कंडीशन में ये क्या होगा, समाकलनीय होगा। ठीक है, तो समाकलनीय होगा तो इसका संपूर्ण अवकल समीकरण अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे, तो देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं समाकलनीयता की शर्त संतुष्ट होती है, समाकलनीयता की शर्त संतुष्ट होती है, और अगर ये संतुष्ट होती है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसका अपन संपूर्ण अवकलन जो है वो निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, दी गई समीकरण को अपन क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। अपने पास इक्वेशन है 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, ये है dx, प्लस जो अगली वैल्यू है dy है, और फिर है 2z dz बराबर में 0। अब देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, पहले जो तीन स्टेप है उसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया 2x, ठीक है, तो अंदर बच गया x प्लस y प्लस z² और ये वाला जो टर्म था उसको मैंने अलग कर लिया dx, इनको एक जगह ले लिया dy प्लस 2z dz बराबर में 0। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू है इसका दोनों तरफ भाग, इस पूरी इक्वेशन में भाग दे दिया, तो इधर बच गया 2x, यहाँ पर dx चल रहा है साथ में 2x dx, और इसके नीचे आ जाएगी ये पूरी जो वैल्यू है dx प्लस dy प्लस 2z dz बटे में आ जाएगा x प्लस y प्लस z² और बराबर में क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इजीली अपन इनका समाकलन कर सकते हैं, तो देखें समाकलन करेंगे इसका और आंसर निकालेंगे, तो समाकलन करने पर लिख देते हैं, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा x², और ये वाली जो वैल्यू होगी अपने को पता है, इसको अगर मैं t मान लेती हूँ तो ऊपर वाली पूरी जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, dt से रिप्लेस हो जाएगी, तो 1t dt क्या हो जाएगा, log t, यानी log में ये वैल्यू जो है वो वापस से आ जाएगी x प्लस वाई प्लस z² और बराबर में आ जाएगा log c। ठीक है, अब इस log को हटा लेते हैं अपन वैल्यूज़ की फॉर्म में, इसको पुट कर लेते हैं, तो जब log को हटाया तो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस z² और e की पावर है x² बराबर में c। ये क्या आ जाएगा, अपनी जो गिवन इक्वेशन होगी उसका संपूर्ण जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अपन उनकी समाकलनीयता को चेक करते हैं, और अगर वो फंक्शन अगर अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो समाकलनीय हो जाती है, समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करती है, देन उस कंडीशन में अपन क्या कर लेते हैं, उसके समाकलन करके उसके आंसर को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी संपूर्ण अवकल समीकरण के बारे में, कि संपूर्ण अवकल समीकरण अपन किस तरह से देखते हैं, उनकी अवकलनीयता को किस तरह से चेक करते हैं, समाकलनीयता को चेक करते हैं, यहाँ से पी क्यू और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उनके आंसर को अपन मैच करके इस तरह से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।